There we have Raghuvansh. इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई, इस फैसला से हम निराश हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए हैं। और एक कोर्ट सरकार सब देखार हो गई। जगन्नाथ मिश्र को रिहा, अल्लालू को जेल, जगन्नाथ मिश्र के बेल, अल्लालू यादव का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं, और लड़ाई जारी रहेगी। जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिल गया और सेम केस लालू यादव का भी था, तो आपको क्या लगता है? अब सीखे देखे देश की दुनिया, क्या आरोप लगा रहे हैं? जनता देखे, जनता मालिक है, डेमोक्रेसी है। जगन्नाथ मिश्र को रिहा और लालू यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्र को बेल और लालू यादव को जेल, और यही है अभी का खेल। आप लोग ऐसे मत कीजिए, हटिए आप लोग। और नहीं, मैं जो परिस्थिति देख रहा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ। समान आरोप एक तरह का केस, जगन्नाथ मिश्र के बेल और लालू यादव को जेल। लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई कोर्ट के ऊंचा कोर्ट में जाएंगे। इस फैसला से हम निराश हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए हैं। लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। एक ही मामला में, एक ही कानून में जगन्नाथ मिश्र को रिहा और लालू यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्र को बेल। सवाल का जनता का काम है। अब देखिए, फैसला तो जनता जानेगी, जनता के हाथ में फैसला होगा। जगन्नाथ मिश्र को बेल, लालू यादव को जेल, यही है खेल। Raghuvansh Prasad Singh, a frustrated RJD leader, once again trying to play the political blame game right outside the Ranchi court where our senior editor Prakash was there. If you could go to our colleague Payal Mehta now. Payal, I hope you can hear us. Payal, you were right there at the RJD press conference. RJD seems to be frustrated and desperate in their counters to the court order, Payal. Well, of course, yes, you know, they're extremely unhappy with the court order. They clearly go on to say that this is nothing but political vendetta which exists against